हेलो एंड वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा एंड होम इंडियन मिनिमलिस्ट। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिलिप्स के मल्टी ग्रूम सीरीज 3000 ऑल इन वन ट्रिमर के बारे में। ये ट्रिमर हमने मार्च में खरीदा था और इसको यूज़ करते हुए हमें लगभग 2 महीने हो चुके हैं। तो इन 2 महीनों में हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करते हैं, इसकी कॉम कैसे चेंज करनी है, ब्लेड कैसे चेंज करनी है, इसकी अटैचमेंट कौन कौन सी हैं, इसकी बैटरी लाइफ कितनी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे मन में आते हैं इस तरह के ट्रिमर खरीदते वक्त, उन सब के आंसर मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको इसका फुल डेमो भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि जब हमने इसको यूज़ किया था तो मैंने एक वीडियो शूट कर लिया था, तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली ये एक प्रोडक्ट रिव्यू और डेमो वीडियो है, जिससे कि अगर आपको ये ट्रिमर खरीदना है तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं अपनी ज़रूरत और बजट के अकॉर्डिंग। मार्केट में तो बहुत वैरायटी में ट्रिमर्स अवेलेबल हैं, अगर आप अटैचमेंट ज़्यादा लेते हैं तो उनके कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। हमें ये देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हमारा बजट क्या है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है फिलिप्स का मल्टी ग्रूम सीरीज 3000 ऑल इन वन ट्रिमर। अकॉर्डिंग टू कंपनी इसकी जो ब्लेड्स हैं वो सेल्फ शार्पनिंग है, मीन्स जितना हम इसको यूज़ करेंगे ब्लेड्स खुद ही शार्प होती रहेंगी। इसके अलावा इसमें मेंशन किया गया है कि अगर एक बार आपने इस ट्रिमर को चार्ज कर लिया है तो आप 60 मिनट तक इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो कुछ अटैचमेंट्स हैं उनको आप धो सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं पानी से भी, और इसके ऊपर 2 साल की गारंटी भी दी गई है। इस ट्रिमर को आप फेस पे यूज़ कर सकते हैं, मींस अगर आप अपनी जो बियर्ड है उसको शेप देना चाहते हैं तो उस पे यूज़ कर सकते हैं, हेयर कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमने ये ख़रीदा भी इसीलिए था, और आप इसको अपने बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल इसमें 7 टूल्स हैं, एक ट्रिमर प्रोवाइड किया गया है, एक नोज़ एंड ईयर ट्रिमर है, और 5 अलग अलग साइज़ के कॉम हैं जिनको आप काफ़ी कम्फर्टेबली अपने बियर्ड और हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको चार्ज करने की ज़रूरत होती है तो इसमें एक चार्जर भी प्रोवाइड किया गया है, और ट्रिमर से हेयर रिमूव करने के लिए एक छोटा सा ब्रश भी इसमें दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी आपको चार्ज करना है तो चार्जर को आपको इस तरह से इसमें लगाना होगा। इसके अटैचमेंट्स को रखने के लिए इसमें एक ट्रे भी प्रोवाइड की गई है जो कि काफ़ी स्टडी है, आप देख सकते हैं, जिसमें हम ट्रिमर और उसके साथ साथ जितनी भी अटैचमेंट हैं उनको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। यूज़ के वक्त ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। अगर हम मेन ट्रिमर की बात करें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, देखने में अच्छा लग रहा है और ईजी टू कैरी है, आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये प्रोडक्ट कितना यूज़फुल है। तो हमने ये प्रोडक्ट लिया था अपने बच्चों की हेयर कटिंग के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में सैलून जाना पॉसिबल नहीं है, और हेयर कट एक बेसिक नेसेसिटी है। तो हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो थी हेयर कट करने की, और हमारी रिक्वायरमेंट इसमें पूरी हो रही थी। हालांकि जब हम चेक कर रहे थे इसके रिव्यूज़, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि ये कितना यूज़फुल है कितना नहीं, पर फिर भी हमें क्योंकि एक ट्रिमर की ज़रूरत थी तो हमने ये वाला ट्रिमर ले लिया। फिलिप्स का प्रोडक्ट हमने पहले भी यूज़ किया है, मेरे पास फिलिप्स का एपिलेटर है जो काफ़ी अच्छे काम कर रहा है, तो नेचुरली हमें लगा कि हम फिलिप्स का ही प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्योंकि बाकियों पे अभी एक्सपेरिमेंट करने का हमें सही नहीं लग रहा था। और लेकर हमें ठीक लगा, क्योंकि जब हमने इसको यूज़ किया तो रिज़ल्ट इसके काफ़ी अच्छे थे। बच्चों का और हस्बैंड का हेयर कट करने की जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो इससे काफ़ी अच्छे से पूरी हो गई। यूज़ करने में ये काफ़ी इजी है। फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया तो भी हमें लगा नहीं कि हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसमें डिफरेंट साइज़ की कॉम दिए गए हैं जो हेयर कट या फिर बियर्ड स्टाइलिंग में हेयर की लेंथ को एडजस्ट करने में काफ़ी काम आते हैं, और उनकी वजह से आपको जो भी डिज़ायर्ड लेंथ चाहिए होती है वो मिल जाती है, तो ये स्टाइलिंग के लिए काफ़ी कम्फर्टेबल है। तो हमें तो ये काफ़ी यूज़फुल लगा, क्योंकि हमारा काम इससे काफ़ी आसानी से हो गया।
और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमने बच्चों का हेयर कट किया और फिर मैंने अपने हस्बैंड का हेयर कट किया और दोनों ही काफ़ी अच्छे से हो गए। इसको यूज़ करने में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये है कि जो इसकी अटैचमेंट्स हैं, जैसे कि ट्रिमर में कॉम्ब लगाने हैं अलग अलग साइज़ के या फिर नोज ट्रिमर लगाना है, तो वो कैसे चेंज होगा। हमें भी जब इसका यूज़ करना था तो इसका कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं था, एटलीस्ट मुझे नहीं दिखा, तो अभी मैं इसलिए इसमें डिटेल में आपको दिखा रही हूँ। पहले जो मेन ट्रिमर है उसको पुल करके निकालना होगा इस तरह से। मैं शुरू में डर गई थी कि ये मैंने तोड़ दिया है, बट इट वॉज़ ओके, टूटा नहीं था, ये इसी तरह से निकलता है। इसके बाद जब हमें जो भी दूसरी अटैचमेंट लगानी है वो इस तरह से लगेगी। तो यहाँ पे दो ही अटैचमेंट मेन लगती हैं इसमें, एक नोज और ईयर ट्रिमर और दूसरा मेन ट्रिमर। बाकी जो कॉम्ब्स हैं वो मेन ट्रिमर के ऊपर लगाए जाते हैं डिजायर्ड हेयर लेंथ के लिए, वो बहुत इजीली लग जाते हैं इस तरह से। यूज़ के बाद आप इसके कॉम्ब्स को आराम से क्लीन भी कर सकते हैं, ब्रश से क्लीन कर सकते हैं, और साथ साथ आपको अगर धोना है तो आप रिंस भी कर सकते हैं। मेन बॉडी को आपको पानी में नहीं डालना है, सिर्फ इसके जो कॉम्ब्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, उनको आप पानी से क्लीन कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको बॉडी हेयर्स पे यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ, इसको बॉडी हेयर पे यूज़ किया जा सकता है। मैं आपको अभी छोटा सा डेमो करके दिखाती हूँ हैंड पे, तो आप देख सकते हैं कि बॉडी पे इसको इजीली यूज़ किया जा सकता है। कई बार जब लेडीज़ को वैक्सिंग का टाइम नहीं होता तो वो भी इमिडिएट यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकती हैं, ये सेफ़ है। अब बात आती है कि इसमें क्या कमियाँ हैं, तो जो सबसे बड़ी कमी है इसकी ये है कि इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले 16 आवर्स के लिए चार्ज करना पड़ेगा। सबसे पहले आते ही आप इसको 16 घंटे चार्ज लगाए, और उसमें भी और भी बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें किसी भी तरह का बैटरी इंडिकेटर नहीं दिया गया है। कि जैसे कि अब हम फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं तो हमें दिखता है कि हमारा फ़ोन इतने परसेंट चार्ज हो गया है और इतनी देर में ये चार्ज पूरा हो जाएगा, लेकिन इसमें इस तरह का कोई भी इंडिकेटर प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो हमें याद रखना होता है कि अब हमने लगाया है और 16 घंटे बाद हमें इसको चार्जिंग से हटाना है। दूसरा, जब बैटरी यूज़ भी हो रही होती है तो भी हमें नहीं पता चलता कि कितनी इसमें बची है और कितनी यूज़ हो चुकी है। अलावा जब ये चार्जिंग पे है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है, इसका चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, और जब ये प्लग्ड है तो इसको यूज़ नहीं कर सकते, और बैटरी इंडिकेटर इसमें नहीं है। थोड़ा सा ये नॉइजी भी है, बट वो चल जाता है, मेन इसका बैटरी का ही है। हालांकि एक घंटा जो इसमें लिखा हुआ है कि ये एक घंटे तक चलता है, तो वो ये चल जाता है। जैसे कि हमने मार्च में ही इसको यूज़ किया था और अभी तक हमने इसको दोबारा चार्ज नहीं किया है, बट इसकी बैटरी अभी भी बची हुई है। अब 1800 रुपये में मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये बहुत सस्ता है, बट अब मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं जिन पे हम थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उसमें यही आ रहा था, तो हमने यही लिया। सो ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, यूज़फुल है, हमारी रिक्वायरमेंट के लिए तो एटलीस्ट ये अच्छा है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मम्मा बच्चा एंड होम इंडियन मिनिमलिस्ट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।